उमेर, आपने बताया नहीं अब्बू ने क्या कहा? उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। मैंने उनसे माफी भी मांगी लेकिन उन्होंने कहा कि वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। पता था मुझे वो तुम्हें और मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हिम्मत मत हारो मरियम, हमने कोशिश की है, हम दोबारा कोशिश करेंगे, बल्कि हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो मोम नहीं हो जाते। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक होना ही होता है तो भी कभी बुरा ही ना हो। जिंदगी की रेस किसी सीधी सड़क का नाम नहीं है मरियम, जिसे तेजी से भाग दौड़ कर तय कर लिया जाए। यहाँ पर कदम कदम पे तकलीफ के खतरनाक मोड़ है। ये जन्नत नहीं है मरियम, जहां सब कुछ ठीक हो। जन्नत तो वो थी जहां मैं रहती थी, और मैंने अपनी जन्नत छोड़ दी। आ गए उस लड़की के बाप की तिरले मिनते करके, बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया होगा ना आपको। अवार्ड रिवार्ड तो अल्लाह की तरफ से होता है, और तुम जैसे लोगों का काम दूसरों को अजाब में मुब्तला करना होता है। अब ये मुसले आजम का किरदार निभाना छोड़े और कोई वकील तलाश करें अच्छा सा, ताकि सबा की खुला हो। सद अफसोस, एक मां होते हुए बेटी को तलाक दिलवाने की बात कर रही हूं। उसके हक में यही बेहतर है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। शाहना बेगम, वो अपने घर की हो चुकी, अब बहुत जल्द यहां से रुख्सत हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, आप नहीं जा रहे वकील के लिए, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी कल दिन में। वकील तलाश करके खुला का नोटिस भिजवाती हूं उन्हें। बड़े आए सुलह का परचम लहराने वाले, देखती हूं।